जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? वेल, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर घर में शांति नहीं है, घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होकर घर में कलेश चलता ही रहता है, कॉन्टिन्यूस बेसिस पर कलेश चलते रहते हैं, तो उस केस में क्या किया जाए। अब देखिए, वास्तु एक ऐसी चीज़ है कि हम हमेशा बोलते हैं वास्तु एक जनरल चीज़ भी है, लेकिन वास्तु एक बहुत पर्सनलाइज चीज़ भी है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो मेरे सामने हमेशा आता है और जिसका क्वेश्चन है बहुत ब्यूटीफुली, और मैं चाहती हूँ कि लोग मुझसे ये पूछे क्योंकि ये एक बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। एक रेलेवेंट क्वेश्चन ये है वास्तु में कि हमसे पहले जो लोग थे इस घर में, उन्होंने इस घर में बहुत प्रोग्रेस की, लेकिन हम जब से इस घर में आए हैं ना, हम इतनी अच्छी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, बल्कि हमारी तो गाड़ी नीचे ही जा रही है ना। या फिर जो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि भाई मेरे घर में मेरे चार बेटे रहते हैं, मेरे तीनों बेटे बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, तीनों की मैरिटल लाइफ अच्छी चल रही है, ये जो चौथा वाला है इसका ना काम अच्छा चल रहा, ना इसकी मैरिटल लाइफ अच्छी चल रही, रीजन क्या है? वास्तु तो सबके लिए घर के लिए सेम है। एंड ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। एंड द आंसर लाइज इन एस्ट्रोवास्तु। एस्ट्रोवास्तु मतलब पर्सनलाइज्ड वास्तु। आप जिस दिन पैदा हुए हो आपके जो प्लैनेट्स की पोजीशन है उनके अकॉर्डिंग अगर आप अपने घर में स्थित हो, या उनके अकॉर्डिंग आपके घर में चीजें स्थित हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। कुछ प्रॉब्लम्स तो ऑब्वियसली बात है, हम जीवन है हमारा, हमें फेस करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप फिर भी, मैं यहाँ पर ये बात बोलती हूँ कि हमें अगर हम अपने प्लैनेट्स के हिसाब से अपने घर को मैनेज कर लें तो प्रॉब्लम्स 95% तक कम हो जाती हैं। जैसे कि अगर घर में अजीब सा माहौल बना हुआ है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में मतलब आप जैसे ही घर में अंदर एंटर करते हो, अपने घर में एंटर करते हो, यू फील लाइक मेरा प्रॉब्लम, मेरे को मुझे एंग्जाइटी होने लग जाती है जैसे ही घर में एंटर करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? एक बार अपने चार्ट में देखिए, केपी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ यहाँ पर मैं, कि आपका जो फोर्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड है, ठीक है, उसके ऊपर किसी का हिट तो नहीं है। मान लीजिए आपका फोर्थ हाउस का जो कस्पल सब लॉर्ड है उसके ऊपर जुपिटर का हिट है। फोर्थ हाउस में आपकी सेजिटेरियस राशि है, सेजिटेरियस राशि का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है। अभी नॉर्थ ईस्ट में तो मंदिर होना बहुत अच्छा है, लेकिन मान लीजिए वहीं पर ही आपका हिट आ रहा है। अब नॉर्थ ईस्ट में सेजिटेरियस राशि है, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना रखा है, 110% ऐसा ही होने वाला है। ऑल्दो इन जनरल जब तक हमने आपका चार्ट नहीं देखा तब तक हम क्या बोलते हैं, इन जनरल कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है, इट्स गुड इनफ। लेकिन मैं बहुत बार लोगों के घरों से नॉर्थ ईस्ट से मंदिर हटाती हूँ अगर वहां पर सेजिटेरियस राशि पर जुपिटर हिट कर रहा है, 180 डिग्री से जुपिटर हिट कर रहा है, तो यू हैव टू रिमूव। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ये जाने, ये समझे कि किस तरह से एक प्लैनेट अपने खुद के ही घर के लिए नेगेटिव इंपैक्ट भी डाल सकता है अगर वो वहां पर हिट कर रहा हो, नेगेटिवली हिट कर रहा हो। तो अभी आपको एक चीज समझ में आई, इसी तरीके से हम आगे भी बात करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे कि किस तरह से अपने हिट्स देखें, किस तरह से अपने घर में से अपने नेगेटिव हिट्स हटाएं। एंड इट्स अ वेरी वास्ट थिंग। अगर आप और जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो देखते रहिए इस चैनल को एंड यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, दोबारा कुछ बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।